आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों हमारे प्रश्न में पूछा गया कि दिए गए यौगिकों का आयुर्वेद पद्धति में नाम क्या है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया। साथ में यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए, हमें बताने की कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें संरचना दी गई है, इस संरचना को हम सबसे पहले विस्तृत तौर पर बनाते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इसका आयुपैक में नाम क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है CH3। ये CH3 कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के साथ हमारा ऊपर में CH3, नीचे की तरफ CH3 और यहाँ पर श्रृंखला आगे चलेगी जो कि एकल बंध के साथ CH, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, इसके साथ हमारा CH3 और यहाँ पर एकल बंध के साथ CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये हमें प्रश्न में दी गई संरचना है। अब दोस्तों हमें इसका आयुपैक में नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन को यहाँ पर नामांकित कर लेते हैं। नामांकन यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नामांकन कर लेते हैं। नामांकन हो गया हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा। पांच कार्बन को हमने यहाँ पर नामांकित कर लिया। अब हम इसका आयुपैक पद्धति के अनुसार इसका नाम यहाँ पर देखते हैं कि नाम क्या बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले दूसरे कार्बन के साथ हमारा मेथिल समूह है। ठीक है, तो ये हो गया 2। यहाँ पर चौथे के साथ दो मेथिल समूह है तो ये हो गया 4। हमारे टोटल कितने हो गए, 3 मेथिल समूह हो गए। तो 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए हो गया हमारा ट्राई। ठीक है, 2, 4, 4 ट्राई मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई मेथिल। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, अब यहाँ पर हमारा जो है कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा हमारा पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट 2, डबल बॉन्ड है तो हमारा प्रत्यय लग जाएगा इन। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है तो ये हो जाएगा 2-in। तो हमारा आयुपैक में नाम क्या बना, 2-4-4 ट्राई मेथिल पेंट 2-in। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर हमें दिया गया 2-4-4 ट्राई मेथिल पेंट 2-in, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमें बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर हमें दोस्तों 3-in दिया गया है, पेंट 3-in दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी वही दिया गया तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर हमें 2-in दिया गया परंतु यहाँ पर 2-2 दिया गया जबकि 2-4-4 होगा तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।